पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। एक बड़ा कमाल का वीडियो सामने आया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब हैं इस कहानी के एक महत्वपूर्ण पात्र, लेकिन मुख्यमंत्री को अक्सर लगता है कि एक बार बस जनता ने वोट दे दिया तो उसकी जिम्मेदारी खत्म, जनता की उनकी जवाबदेही भी खत्म। उनको मुख्यमंत्री जी को कैसे एक स्टूडेंट ने छत्तीसगढ़ में उनकी जवाबदेही और अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल ढंग से खड़े होके बिना डिगे याद दिलाई, ये उसका वीडियो है। तो ये जरा ये वीडियो आपको सुनवाते हैं। इनका जनता दरबार लगा हुआ था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का, और वहां पर किस तरीके से वार्तालाप हुआ एक स्टूडेंट और इनके बीच में, वो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी सब लोग बोल रहे हैं, इसको मैं बोलता हूँ, जो हाथ उठाते सबको मौका दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, ये गलत आरोप लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, नहीं, है ना। पहली बात तो अपने वापस लो, समझ गए, और ये मौका मिला तो किस मुख्यमंत्री के पास, तुम्हारे पिताजी की बात की है? सर मेरे पिताजी, मैं जब छोटा था आठ क्लास में था, जब तुम्हारी मम्मी ने भी बात की, तुम्हारे चाचा ने भी बात किया, किस तरीके से सर? कभी साहब, अरे कभी माइक दिया है उसको कि बात की है? सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए भैया तुमको मौका मिला है तो तुम मुझको आरोप लगाओगे? सर आरोप तो मैं लगा सकता हूँ सर, हर कोई लगाता सर, ये कुछ लेते हैं, आरोप तो मैं लगा सकता हूं सर, सवाल मैं पूछ सकता हूं सर। और जनता की तालियों ने यह भी मुख्यमंत्री जी को बता दिया होगा कि वो लड़का गलत नहीं है। आप जो ये राजा साहब वाली बात कर रहे हैं कि आपको मौका दिया है, चले गए वो राजा साहब वाले जमाने।